कंपनी का नहीं है, आप उसे ऐसे छोड़ देते हैं जैसे ये तो इंडस्ट्री से ही बाहर हो गया, राइट? ना, शायद हमारी इंडस्ट्री में आज एक पहली चीज की जरूरत है, वो है वी नीड टू बी यूनाइटेड टुगेदर, राइट? हमारे इंडस्ट्री के लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। अब मुझे पता नहीं किसने शुरू किया ये, लेकिन मैंने पिछले 16 साल हुए मुझे इस इंडस्ट्री के साथ, 11 साल एज ए नेटवर्क मार्केटर और पिछले 5 साल से आई एम ट्रेडर, ऑथर एंड स्पीकर फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। लेकिन यू नो, हमें ऐसा लगता है हमारा जाने दुश्मन बगल की कंपनी वाला है और हम, हमारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मेरी कंपनी अगर एक्स है तो वाई कंपनी वाले से बेटर कैसी हो, बस जिंदगी मेरा सिर्फ इतना सा है। छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। तो दोस्त थे, जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे थे, तो एक ना शेर आया और अब पहले वाले ने जूते पहनने शुरू कर दिए, नाइकी वाइकी थे उसके, उसने फटाफट बांधने शुरू कर दिए। तो दूसरा उसे पूछता है, तुझे क्या लगता है तू ये नाइकी के जूते पहन के शेर से बच जाएगा और उससे तेज भाग जाएगा? वो कह रहा, शेर से आगे नहीं भागना मुझे, मेरे को तो तेरे से आगे भागना बस। सो हमारा जो कंपटीशन है ना, एफिलिएट मार्केटिंग से भी है, हमारा जो कंपटीशन है ना डिजिटल मार्केटिंग से भी है, और हमारा कंपटीशन हर उस ऑर्गेनाइजेशन, हर उस इंडस्ट्री, हर उस बिजनेस से है जो वर्क फ्रॉम होम के मॉडल पे काम करता है। और पिछले 3 साल में कुछ तो आपको पता है और 99% आपको पता भी नहीं है, आपके नेटवर्क मार्केटर्स जो छोड़ के जा रहे हैं ना, वो आपको छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में नहीं जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री से बाहर चले जा रहे हैं। और हम लोगों ने ना अपनी मानसिकता जो है ना, अपना सर्कल जो है, सोच का दायरा सिर्फ उन 4, 6, 8, 10 कंपनियों के बीच में रखा हुआ है। सो मेरी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इस इंडस्ट्री के, क्या बोलूं मैं आपसे, आप लोग टॉर्च बेयरर्स हैं, आप लोग मशाले उठाए हैं इस इंडस्ट्री की, हमारा मुकाबला एक दूसरे से नहीं है और एक दूसरे की कंपनियों के लोगों को यहां से वहां करके हम जिंदगी में कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप पे इतना दम है ना, तो अपने उस पैकेज को जो आप किसी और को ऑफर करते हैं, उससे उसको भी अल्टीमेटली तो नए लोग लाने पड़ेंगे ना। अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिके रहना है और बड़े करना है, तो फिर आपको अपनी कंपनी को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपका जो प्रपोजल हो वो किसी भी नए इंसान के लिए बेहतर हो, शानदार हो। सो थ्री थिंग्स आई टेल यू, नंबर 1 इज स्टे यूनाइटेड, दूसरी चीज हमें बदलाव के साथ बदलना है। पूरी दुनिया बदलने लगी है और जो नहीं बदल रहा है वो बाहर है, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटर्स के साथ में ट्रेजेडी क्या है, आयरनी क्या है, इनके साथ सबसे ज्यादा ट्रेनिंग यहां की जाती है और उसके बाद भी सबसे ज्यादा लोगों का छोड़ना यहीं पे है। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है इस इंडस्ट्री में कि उसके बाद भी हम 99% लोगों को रोक नहीं पाते हैं, लोग आते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी आप मानिए, हमें लगता है हम सिखा रहे हैं, लेकिन हम पिछले 20 साल वाला वो सिखा रहे हैं जिससे शायद वो 1, 2, 5, 10 लोग 1999, 1998, 1992, 1995 में रुक गए थे, ये 2023 वाला रुकने वाला नहीं है। सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लंबा करना है ना, दोस्त बड़ा करना है, देन यू नीड टू चेंज, यू नीड टू अडैप्ट। सोशल मीडिया का आपको ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेगी। हो सकता है आज भी आप में से कुछ लोग अपनी बड़ी गाड़ी, बड़ी इनकम, चेक दिखा दिखा के, BMW की फोटो दिखा दिखा के सेल लाते हो। आपको कसम खा के बोलता हूं, 2 और साल ये गेम चलेगा, उसके बाद इंडियन यूथ को आपकी BMW, आपके इनकम, आपके चेक देख के आपके साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये बदलाव आएगा तो ठीक, नहीं तो हम लाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि इस बदलाव के आए बिना इस इंडस्ट्री को इज्जत नहीं मिलेगी, फिर हम ना इसको लॉटरी की तरह ही लगे रहेंगे। तो नेटवर्क मार्केटर्स को दूसरा चीज करने की जरूरत है, पहला साथ रहिए, यूनाइटेड रहिए, दूसरा बदलाव के साथ बदलिए, चेंज करिए, अडैप्ट करिए, और तीसरा और आखिरी, लोगों की जिंदगी में जेन्युइन परिवर्तन करिए, स्टेज से भाषण वाला परिवर्तन मत करिए, जेन्युइन परिवर्तन करिए। करीब 1 साल पहले मैं अनिल लारंग जी से मिला था और अनिल लारंग जी और मैं शिमला में हम पहली बार फेस टू फेस मिले थे और रिटेंशन की बात हो रही थी कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं। 3 काम अगर आप करेंगे ना तो लोग कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 1, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए और आप उन लोगों को जो आ रहे हैं बिजनेस में प्रोडक्ट्स यूज करवाइए। नंबर 2, आपका ट्रेनिंग सिस्टम रॉक सॉलिड होना चाहिए, आप उन्हें कुछ ऐसा सिखाएं जो उनकी जिंदगी में काम आए। 3, आप उन्हें एक ऐसा कल्चर दीजिए जिस कल्चर में आकर लोगों को सेफ महसूस हो और उन्हें ऐसा लगे कि बिजनेस तो अलग बात, लेकिन इस संस्था के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस टीम में बना रहूंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ हो जाएगा। अगर ये 3 काम आप कर पाएंगे ना, और इन 3 काम के माध्यम से अगर आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे, आप 99% छोड़िए, कोई भी एक इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा।
राइट सो दीज आर माय थ्री थिंग्स फॉर यू टू साथ है ये यू नो स्टे यूनाइटेड और सिर्फ ये मत सोचिए कि इस कंपनी उस कंपनी हमें सच बता रहा हूं मैं आपसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री के लोग हैं जिनसे अब हमारा कॉम्पिटिशन है रोज हमें ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं तो आप साथ रहिए एक दूसरे के नंबर टू बदलाव के साथ बदलिए चेंज एंड अडैप्ट एंड नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एड गुड जेन्युइन वैल्यू टू पीपल्स लाइफ ऐसा कैसे हो सकता है यार मैं किसी की जिंदगी के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूँ फिर भी मुझे छोड़ के चला गया उसकी सात पीढ़ियां मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी यार मैं ईमानदारी से वैल्यू तो दूं यार उसको हम सिर्फ भाषण देंगे ना अगर और यहां वहां करेंगे दैट इज नॉट कॉल्ड वैल्यू एडिशन आप किसी के जीवन में थोड़ी वैल्यू ऐड करिए आपके पांव धो दो के पिएगा यार मंदिर में आपकी फोटो लगा लेगा वो बट वी हैव स्टॉप डूइंग दैट सो वो करना शुरू करिए ये इंडस्ट्री कमाल की थी